बीरनपुर घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव आएगा भाजपा ऐसे और हथकंडे अपनाएगी। भाजपा की सोच समाज में विद्वेष फैलाकर सत्ता हासिल करने की है। बीरनपुर में भाजपा ने आग में पेट्रोल डालने का किया है काम। भाजपा की मंशा शांति बनाने की नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने की थी। बीरनपुर हिंसा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि बीरनपुर में भाजपा के नेताओं ने समाज को बांटने का किया काम। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया में किए समाज बांटने वाले पोस्ट। सभी पोस्ट की जा रही है जांच। बघेल ने कहा कि भाजपा ने आग में पेट्रोल डालने का किया है काम। भाजपा को सांप्रदायिकता और धर्मांतरण में है पीएचडी हासिल। बेमेतरा की बीरनपुर घटना को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस है अलर्ट मोड पर। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाकर समाज में सांप्रदायिक दंगे और दहशत फैलाने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। इसे लेकर रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा सहित कई जिलों में पुलिस प्रशासन ने आदेश किया है जारी। वहीं अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देने रायपुर पुलिस ने नंबर भी किया है जारी। सुकमा जिले में 12 साल बाद राजमंडई मेला का किया गया आयोजन। इस ऐतिहासिक मेले में प्रदेश के आबकारी मंत्री और सुकमा के कोंटा विधानसभा से विधायक कवासी लकमा भी हुए शामिल। उन्होंने खुद पर जंजीर से बरसाए कोड़े, साथ ही हाथों में मोरपंख पकड़कर पारंपरिक अंदाज में देवी देवताओं की आराधना। यह वीडियो अब सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। कांग्रेस भरोसे के सम्मेलन में प्रियंका गांधी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने 13 अप्रैल को पहुंच रही है बस्तर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कार्यक्रम की तैयारी लगभग हो गई है पूरी। मंच को 60 लोगों की क्षमता के अनुसार बनाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि लगभग छत्तीसगढ़ के पूरे विधायक मंच पर बैठेंगे। यह कार्यक्रम लालबाग मैदान में होगा जहाँ 3 रूम किया गया है तैयार। कथावाचक रमेश भाई ओझा ने रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान दिया बयान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कहा कि धर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू में कन्वर्ट करना यह अधार्मिक प्रवृत्ति है। धर्म के द्वारा सच्चे हिंदू मुसलमान को सच्चे इंसान में परिवर्तित करना इंसानियत से बड़ा नहीं है कोई धर्म। कोरबा में बीती रात नशेड़ी ने तेज रफ्तार कार से 2 पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में लिया। घटना में एक पुलिसकर्मी का टूट गया पैर, वहीं दूसरे पुलिसकर्मी को आई गंभीर चोट। बता दें कि तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को सलोरा के पास मारी ठोकर। कटघोरा थाना प्रभारी ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कार चालक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए है खुशखबरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर दी जानकारी। मई के तीसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट होगा जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिए संकेत के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 15 मई से 20 मई के बीच कर दिए जाएंगे घोषित। सरगुजा के अंबिकापुर पीजी कॉलेज कैंपस में छात्राओं के 2 गुटों में किसी बात को लेकर जमकर हुई मारपीट। छात्राओं के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। कुछ छात्र और छात्राएं इन लड़कियों को छुड़ाते दिख रहे हैं। आखिर किस बात को लेकर इतनी जमकर मारपीट हुई इसका पता नहीं चल सका है। कोरबा के कुसमुंडा खदान में फिर मचा बवाल। यहाँ कोयला लोडिंग को लेकर 2 पक्षों ने लाठी डंडे से जमकर की मारपीट। हमलावर ने युवक को अधमरा होते तक मारा। इस मामले में कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह का भी नाम आ रहा है सामने। वही घायल का एक निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से लोगों की बढ़ा दी है टेंशन। बीते 24 घंटों के भीतर इस साल संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। प्रदेश भर में मिले हैं 264 मरीज और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 727। औसत पॉजिटिविटी दर पहुंची 6.35%। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा मरीज रायपुर से निकले। 54 संक्रमित रायपुर जिले से मिले। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम झेलमिटी धौरापारा में बेटी होने से नाराज पिता ने नवजात बेटी को कुएं में फेंककर उतारा मौत के घाट। आसपास के लोगों के देखने के बाद आरोपी ने शव को किया दफन। फिलहाल आरोपी को कर लिया गया है गिरफ्तार। एनपीजी का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।